हेलो स्टूडेंट स्वागत है आपका uh, मेरे यूट्यूब चैनल वे टू एजुकेशन में और uh, आज का टॉपिक uh, जो मैं लेके आया हूँ आपके लिए लेक्चर सीरीज़ में बेसिक इलेक्ट्रिकल लेक्चर सीरीज में वो है थेविनियन थ्योरम ठीक है uh, आज के लेक्चर सीरीज़ में हम नेटवर्क थ्योरम स्टार्ट कर रहे हैं और नेटवर्क थ्योरम में uh, आपके जो सिलेबस में है बेसिकली वो तीन थियोरम्स है एक है थेविनियन थ्योरम एक नॉटन थ्योरम और एक सुपर पोजिशन थियरम ठीक है तो हम सिलेबस के uh, साथ ही डिस्कस करेंगे और दूसरा चीज़ ये है कि ये तीनों थियोरम हमें डीसी सर्किट्स के लिए पढ़ने हैं ठीक है थीके? तो थेविनियंस थ्योरम क्या कहता है थेवेनियंस थ्योरम का क्या एडवांटेज है या अगर हम नेटवर्क थ्योरम्स की बात करें तो बेसिकली हमें नेटवर्क थ्योरम की क्या रिक्वायरमेंट है तो कोई भी सर्किट मान लीजिए कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्किट है और उसको हमें एनालाइज करना है तो हम क्या कर सकते हैं कि थेवेनियन थ्योरम से एक द लोड यानी जो लोड जहाँ पर आपको करेंट या वोल्टेज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एकस द लोड हम पूरे सर्किट को एक सिंगल वोल्टेज सोर्स और उसके सीरीज में एक रेसिस्टेंस से इस पूरे सर्किट को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ करेक्ट तो यहाँ पे जैसा कि हमने देखा थेविनियन फिरम में हम क्या करें कि ये जो ए बी टर्मिनल है इसके अक्रॉस इसको वी टी एच और आर टी एच से हम रिप्लेस कर रहे हैं तो ये मेन uh, uh, देखते हैं क्या क्या कहता है कि इज अप्लाइड टू ए सर्किट सर्किट स्टेट्स दैट बट देर आर सम कंडीशन कुछ कंडीशन है ऐसा नहीं है कि कहीं भी लगा सकते हैं तो कंडीशन क्या है द सर्किट शुड बी लीनियर एंड इट शुड बी बाइलेटरल इसका मतलब ये है कि जो सर्किट है हमारा लीनियर होना चाहिए नॉन लीनियर सर्किट के लिए हम नहीं लगा सकते थे इन और बाइलेटरल होना चाहिए बाइलेटरल मतलब जो करंट है वो दोनों डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए तो जैसे अगर मैं यहाँ पर देखूँ हमारे पास जनरली जो डी सर्किट जो भी हम डिस्कस करेंगे जनरली वो लीनियर होंगे क्यों क्योंकि रेसिटेंस दिस डी वोल्टेज ये सारे क्या है लीनियर सर्किट से एंड मतलब बाइलेटर है जहां पर दोनों साइड में करंट फ्लो करे तो अगर कर की मैं बात करूं तो resistance की प्रॉपर्टी आपको पता है द द करंट विल फ्लो इन बोथ डायरेक्शन अगर मैं यहां पर डीसी लगा रहा तो ऐसे भी करंट फ्लो होगा और यहां पर डीसी लगाऊंगा मतलब ऐसे भी करंट फ्लो होगा करेक्ट तो ये दो कंडीशन है दिस सर्किट अक्रॉस द टर्मिनल ए बी यानी ये जो टर्मिनल ए बी है इसके अक्रॉस जो ये पूरा सर्किट बसता है ये पूरा सर्किट इस पूरे सर्किट को हम केवल एक सिंगल वोल्टेज सोर्स जिसको अब हम वीटीएच कह रहे हैं थेविनियन वोल्टेज कह रहे हैं और उसके सीरीज में एक सिंगल रेसिस्टेंस आर टी एच से रिप्लेस कर सकते हैं तो वीटीएच क्या है VTH है आपका आर टी एच है RTH है आपका इक्विवेलेंट अब VTH और आपकाएच की वैल्यू हम एक्चुअली में कैसे कैलकुलेट करेंगे तो अगर मैं प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो वीटीएच क्या है वीटीएच है ओपन सर्किट वोल्टेज एट दिस टर्मिनल ए बी बाई रिमूविंग दिस लोड आर एल यानी जहां पर आपको लोड दे रखा है लोड लोड हम किसको एज्यूम करेंगे लोड वही होगा जहां पे हमें वोल्टेज या करंट की वैल्यू निकालनी है जिस टर्मिनल पे हमें जो चीजें वेरिएबल फाइंड आउट करना है उसको उस रेसिस्टेंस को हम लोड लेंगे तो मुझे यहाँ पर आर में आर में निकालना था आई करंट तो मैंने इसको क्या ले लिया आर को लोड करंट ले लिया और इसके अक्रॉस मैंने टर्मिनल ए बी मैंशन कर दिया तो यहाँ पे जो भी ओपन सर्किट वोल्टेज आएगा वो मेरा क्या हो जाएगा वीटीएच हो जाएगा सो वीटीएच इज द वोल्टेज ऑप्टेन अक्रॉस द टर्मिनल ए बी विद द लोड रिमूव फ्रॉम द टर्मिनल दैट इज इट इज द ओपन सर्किट वोल्टेज बिटवीन टर्मिनल ए एन बी तो लैब में अगर होगा तो क्या करेंगे इसको ओपन करके यहाँ पे हम वोल्ट मीटर लगा लेंगे और वोल्ट मीटर में जो जो वैल्यू आएगी वोल्टेज की वो हो जाएगा ओपन सर्किट वोल्टेज ठीक है आरटीएच को कैसे डिफाइन करेंगे आरटीएच क्या है अगर आर टी एच में यहाँ से देखो तो ए और बी पर जो भी इक्वेलेंट रसिस्टेंस यहाँ से निकलेगा जो भी इक्वेलेंट रसिस्टेंस यहाँ से हम निकालेंगे वो होगा आर टी एच अब देखिए इक्विवेलेंट रसिस्टेंट निकालने के लिए हमने अभी तक जितने भी इक्विवेलेंट रसिस्ट निकाले है वहां पे क्या था केवल रसिस्टेंस होता था लेकिन यहां पर क्या है वोल्टेज सोर्स भी है वोल्टेज सोर्स हो सकता है करंट सोर्स हो सकता है तो हमें क्या करना है द वोल्टेज सोर्स और द करंट सोर्स शुड बी रिप्लेस बाय देयर इंटरनल रसिस्टेंस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यानी वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स को उसके इंटरनल रसिस्टेंस से रिप्लेस करना है ठीक है तो अगर वोल्टेज सोर्स की मैं बात करूं तो वोल्टेज सोर्स का इंटरनल इंपोर्टेंस क्या होता है बहुत ही कम होता है करेक्ट और करेंट सोर्स की अगर मैं बात करूं तो उसका इंटरनल इंपिडेंस बहुत ही ज्यादा होता है ठीक है तो अब जनरली क्या होता है जब जब आपको इंटरनल इंपिडेंस ना दिया हो इंटरनल रसिस्टेंस आपको ना दिया हो सर्किट में तो हम क्या हम क्या करते करते हैं हैं ये कि वोल्टेज सोर्स का जो इंटरनल रेसिस्टेंस है वो क्या है जीरो है तो जीरो का मतलब शॉर्ट सर्किट और करंट सोर्स का जो इंटरनल रसिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है तो इफ द वोल्टेज सोर्स और द करंट सोर्स इज ए आइडियल वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स

अब ये जो है वी ओ सी वी टी एच और आर टी एच इसको हम कैसे कनेक्ट करेंगे इन सीरीज वी टी एच एंड आर टी एच इज इन सीरीज ठीक है तो थेविनियन सीरीज क्या है इस टर्मिनल के अक्रॉस बी टर्मिनल के अक्रॉस इसको हम एक सिंगल वोल्टेज सोर्स जिसको हम वी टी एच कह रहे हैं और एक सिंगल रेसिस्टेंस सोर्स जो उसके सीरीज में आएगा उससे हम रिप्लेस कर सकते हैं तो यहाँ तक तो ये ये जो पूरा सर्किट है आपका ये जो मैंने डॉटेड लाइन में ड्रॉप किया हुआ है ये पूरा सर्किट को हम क्या कहते हैं दिस इज थेविनियन इक्विवेलेंट सर्किट ठीक है अब हमने जो लोड रेसिस्टेंस निकाला था उस लोड रेसिस्टेंस को फिर से हमने ए और और बी टर्मिनल लगा दिया और आपको पता है इसमें जो करंट फ्लो कर रही है यहां पर के तो यह यह लूप है करेक्ट तो आई एल की वैल्यू अब यहां से अगर मैं देखूं तो क्या हो जाएगा यहां पर आप केसील लगा सकते हैं तो क्या हो जाएगा आई एल देखिए आई एल ऐसे फ्लो कर रहा है मैं ऑलरेडी भी आपको बता चुका हूं केसीएल अगर डाउट है तो आप प्रीवियस लेक्चर देखिए तो यहां से मैं आया तो प्लस 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 आर एल आर टी एच करेक्ट फिर यहां से गए तो ये ये भी मैंने प्लस माइनस मार्क कर दिया तो फिर आ गया प्लस आई एल आर एल फिर यहां से आए यहां से आए तो क्या मिला माइनस सो तो माइनस वी टी एच इज इक्वल टू जीरो मुझे वैल्यू क्या फाइंड आउट करनी है आई एल आई एल मैं यहां पर कॉमन ले सकता हूं तो so, यह आ जाएगा आर टी एच प्लस इज इक्वल टू वी टी एच सो फ्रॉम हि आई एल इज इक्वल टू वी टी एच अपॉन आर टी एच प्लस आर एल ठीक है तो इस तरह से हम करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं ठीक है तो ये फॉर्मूला भी कई लोग याद करने को बोलते हैं बस मैं याद करने को नहीं बोल रहा हूँ आप यहाँ पर डायरेक्टली के अगर आपको ये क्वेश्चन आ गया तो के लगा के निकाल सकते हैं अब मान लीजिए यहाँ पर अगर आर की वैल्यू वेरी करती है तो अगर वैरी करती है तो हमें सिंपली क्या करना है आर की वैल्यू को यहाँ पर चेंज करना है और आर की वैल्यू को हम चेंज करेंगे तो आई की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाए तो आप देख सकते हैं बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को भी हम एक सिंगल वोल्टेज सोर्स और

और यहाँ पर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हमारी तब होगी जब हम एक न्यूमरिकल लेकर के इस थैविनियन थिरम को सॉल्व करेंगे तो मैं एक न्यूमरिकल ले ले लेता हूँ यहाँ से और उस न्यूमरिकल के थ्रू हम देखते हैं कि थैविनियन थीम ठीक ये आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में आया हुआ है और इसके थ्रू हम देखते हैं कि थैविनियन स्थिरम के थ्रू कैसे हम इसके अक्रॉस करेंट फोर ओम के अक्रॉस करेंट की वैल्यू जो है वो हम फाइंड आउट करेंगे ठीक है तो मैंने आपको जैसे बताया स्टेटमेंट में अभी जो मैंने प्रीवियस डिस्कशन किया था उसमें मैंने आपको बताया कि सबसे पहला काम हमारा क्या है सबसे पहले हमें यहाँ पर जो टर्मिनल है ए और बी टर्मिनल वो मार्क करना होगा ठीक है तो मैं यहाँ से मैंने आपको बताया करंट के कहाँ निकालना है फोर ओम के अक्रॉस निकालना है तो मैं इस टर्मिनल और इस टर्मिनल को मार्क कर देता हूँ ए एंड बी ठीक है और यहां से मैं क्या रिमूव कर रहा हूं यहां से मुझे रिमूव करना है फोर ओम रेसिस्टेंस को ठीक है तो अगर मैं यहां से फोर ओम रेसिस्टेंस रिमूव कर देता हूं तो ठीक है तो ये सर्किट मैंने फोर ओम को यहां से रिमूव कर दिया अब फोर ओम को रिमूव करने के बाद यहां पर क्या हुआ देखिए ये क्या बन गया आपका ओपन सर्किट बन गया यानी यह टर्मिनल ओपन हो गया तो इसको मैं मार्क कर लेता हूं कुछ पुलर्टी के साथ तो मैंने इसको मार्क कर लिया प्लस इसको एज्यूम कर लिया इसको प्लस और इसको माइनस और यहां पे इस वोल्टेज को एज्यूम कर दिया मैंने वी ओ सी ठीक है और आपको पता है ये जो वी ओ सी वोल्टेज मैंने मार्क किया है यही वोल्टेज है हमारा वी टी एच सेम वोल्टेज है वी टी एच ठीक है तो ये हमें फाइंड आउट करना है सबसे पहले ठीक है क्योंकि मैंने आपको बताया इक्विवेलेंट सर्किट की अगर मैं बात करूं तो वो कैसा है एक वी टी एच वोल्टेज ये वोल्टेज हमें फाइंड आउट करना है वीटीएच ठीक है और उसके सीरीज में एक रेसिस्टेंस है जिसको हम कह रहे हैं आर टी एच तो सबसे पहले मुझे वी टी एच और आर टी एच की वैल्यू को फाइंड आउट करना है ठीक है इस टर्मिनल के अक्रॉस ये हमारा इमेज ये पूरे सर्किट को मैं इससे रिप्लेस करना चाहूंगा तो वी टी एच ये हो गया अब एक चीज एक चीज यहां पर देखने वाली है अगर मैंने इसको ए और बी को ओपन कर दिया ठीक है ध्यान से देखेगा अगर इस ए और बी को मैं ओपन कर दे रहा हूं तो यहां पर जो करेंट है यहां पर जो करेंट है वो कितना होगा वो करंट की वैल्यू जीरो हो गया क्योंकि ओपन है अगर ये ओपन है तो यहाँ टू ओम में करंट नहीं फ्लो कर रहा और अगर ये करंट नहीं फ्लो कर रहा इसका मतलब क्या है यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू भी क्या हो जाएगी जीरो यहाँ पे कोई ड्रॉप नहीं हो रहा और अगर कोई ड्रॉप नहीं हो रहा तो मैं सिंपली ये कह सकता हूँ कि दिस कैन बी रिप्लेस बाई ए शॉर्ट सर्किट इसको मैं कैसे रिप्लेस कर सकता हूँ शॉर्ट सर्किट से ठीक है यानी सर्किट में इसकी इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो इसको मैं सिंपली क्या कर रहा हूं इसको मैं रिप्लेस कर देता हूं बाई शॉर्ट सर्किट ठीक है ये आपको ध्यान रखना है ये सिंपली रिप्लेस हो गया शॉर्ट सर्किट अब यहां पर टू ओम का कोई रेसिस्टेंस नहीं है तो ये हमारा सर्किट बना ठीक है अब इस सर्किट को एनालाइज करने के लिए बहुत सारे मेथड है आप चाहिए तो नोडल लेंसेज लगा लीजिए या मैस एनलेंसेज लगा लीजिए तो मैं यहाँ पे जो मेथड लगा रहा हूं आप मैस भी लगा सकते हैं बट मैं यहाँ जो मेथड लगा रहा हूँ वो मैं बाय यूजिंग नोडल लेंसेज निकाल रहा हूं तो नोडल लेंसेज में मैंने आपको क्या बताया था दो नोड बन रहे हैं ठीक है थीके? अगर आपको नोडल में डाउट है तो प्रीवियस लेक्चर में नोडल एनालिसिस है आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं और यहाँ पे मैंने एक ले लिया नोडल वोल्टेज वी बी और इसको मैंने क्या ले लिया वी आर और वी आर की वैल्यू क्या एज्यूम कर ली जीरो रेफरेंस वोल्टेज ठीक है अब मैं यहाँ पर नोडल लगा रहा हूँ तो यहाँ से जो करंट जा रहा है तीनों करंट को मैंने बताया आउट गोइंग मैंने एज्यूम कर लिया इस तरह से ठीक है नोडल आप सीखिए नोडल और मैथ्स बिल्कुल ही बेसिक्स है कोई भी थ्योरम्स लगाना हो कुछ भी लगाना हो आपको नोडल और मैस भी लगाना पड़ेगा तो दोनों में से आपको या तो दोनों आए तो अच्छी बात है नहीं तो एक तो अच्छे से आना ही चाहिए ठीक है वैसे तो दोनों ही आना चाहिए तो यहां पे अगर मैं देखूँ इस नोड पे तो मैं अगर अप्लाई करता हूं के सी एल एट नोड ए ठीक है नोड ए पे मैं के लगा रहा हूँ तीन करेंट है तो क्या होगा पहले देखिए वी ए माइनस फोर अपॉन टू वी ए माइनस फोर अपॉन टू प्लस अब ये करंट कितना होगा वी ए माइनस यहाँ तो जीरो है तो वी ए माइनस जीरो अपॉन वन तो इसको मैं सिंपली क्या लिखता हूँ वी ए अपॉन वन प्लस एक करंट और है वी ए और यहाँ क्या है वी बी तो वी ए माइनस वी बी अपॉन टू और ये तीनों करंट आउटगोइंग है इनकमिंग करंट जीरो है इज इक्वल टू तो जीरो तो इसको मैं सॉल्व कर सकता हूं तो डायरेक्टली मैं यहां पे टू सो वी ए माइनस फोर प्लस टू वी ए प्लस वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू जीरो भले मेरी थोड़ी वीडियोस बड़ी हो जाती है बट मैं चाहता हूं कि हर एक स्टेप्स में आपको करके दिखाऊं ताकि आपके लिए इजी रहे ठीक है तो यहां से अगर मैं इसको सॉल्व सॉल्व uh, करूंगा तो क्या वी ए टू वी ए और बी ए टू प्लस वन थ्री प्लस फोर बी ए सो फोर वी ए फोर बी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू फोर दिस इज इक्वेशन नंबर वन ठीक है अब क्या करना है मुझे आई अप्लाई के सी एल एट नोड बी ठीक है दूसरे एलप लगा लेते हैं क्योंकि दो इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी बी ए और बी बी ए के सी एल एट नोड बी यहाँ पर तो यहां पे भी मैं करंट एज्यूम कर लेता हूँ तीनों आड़ ठीक है अच्छा हाँ एक चीज और है ये करंट क्या हो गया दिस करंट इज जीरो तो यहां पे अगर मैं करंट एज्यूम भी करता हूं तो उसको मैं क्या लूंगा जीरो लूंगा करेक्ट ठीक है तो यहां से लिख लेते हैं तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा एक करंट वी बी माइनस वी बी माइनस अपॉन देखिए यहां पर वी बी वी बी माइनस वी ए अपॉन टू करेक्ट प्लस अब यहां पे ये देखिए ये करेंट तो ये क्या हो जाएगा वी बी माइनस माइनस होगा क्योंकि प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं तो ड्रॉप हो रहा है तो माइनस ट्वेल्व अपॉन वन और कोई करंट है ये करंट तो जीरो ही हो गया तो इस करंट को तो मैंने जीरो ही ले लिया हैल टू जीरो मैं लिखो इन्हें लिखो इज इक्वल टू जीरो करेक्ट अब इसको अगर एलसीएम लेके मैं सॉल्व कर लू यहां आ जाएगा टू तो यह क्या हो जाएगा वी बी माइनस वी ए प्लस टू वी बी माइनस ट्वेंटी फोर इज इक्वल टू जीरो ठीक है तो इसको अगर मैं सॉल्व कर लेता हूं यहां से यहां से अगर मैं सॉल्व करता हूं तो क्या आएगा यह आ जाएगा आपका वी ए के वैल्यू कितनी है वी ए माइनस वी ए माइनस वी ए ये हो गया और टू प्लस वन प्लस थ्री वी बी प्लस थ्री वी बी इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ वी ए माइनस थ्री वी बी इज इक्वल टू माइनस ट्वेंटी फोर दिस इज इक्वेशन नंबर टू ठीक है तो दोनों इक्वेशन हमने फाइंड आउट कर लिया अब क्या करना है हमें इसको सॉल्व करना है तो दोनों इक्वेशन में लिख देता हूं पहले एक इक्वेशन हमें फोर वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू फोर एंड वी ए माइनस थ्री वी बी इज इक्वल टू माइनस ट्वेंटी फोर सो बाई सॉल्विंग बाई सॉल्विंग The equation. By solving the equation, ठीक है अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या आ जाएगा वी ए और वी की वैल्यू मिल जाएगी तो वी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से वी ए और वी की वैल्यू वी वी की वैल्यू से हमें काम है वी is इज इक्वल टू आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा हंड्रेड अपॉन इलेवन ठीक है वी की वैल्यू मैंने निकाल ली हंड्रेड अपॉन इलेवन और अगर यहाँ से मैं देखूँ यहां से अगर मैं देखू ये अब आप देखिए ये जो वी वी हमने निकाला है वो कौन सा वोल्टेज है यहां मैं मार्क कर रहा हूं जो मैंने वी वी फाइंड आउट किया अभी वो कौन सा वोल्टेज है देखिए ये प्लस और ये वी आर इन दोनों के बीच का ही तो वोल्टेज वी वी है ठीक है और यही वोल्टेज वी टी एच है अब आप इसमें ये मत कंफ्यूजन हो जाएगा कि वी वी हमने निकाला तो ट्वेल्व वोल्ट के साथ माइनस या प्लस करना है नहीं हमने ट्वेल्व वोल्ट को यहां पर ले लिया करंट नहीं निकाला है तो हमने वी बी यहां से लेकर ले के इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का ही पूरा वोल्टेज निकाल लिया इस ट्वेल्व वोल्ट को भी लेकर के तो वी बी ही वी टी एच है तो इसका मतलब यहां से जो मेरी वैल्यू आ रही है यहां से जो मेरा वैल्यू आ रहा है वी बी वी बी इज इक्वल टू वी टी एच इज इक्वल टू हंड्रेड बाई इलेवन वोल्ट करेक्ट चीज शायद आपको क्लियर होगा तो मैंने यहां पर वीटीएच निकाल लिया अब सेकेंड मुझे क्या निकालना है आर टी एच तो आरटीएच निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा मैंने आपको बताया था आरटीएस निकालने के लिए मुझे वोल्टेज सोर्स कोई भी वोल्टेज सोर्स हो करेंट सोर्स हो उसको मुझे इंटरनल इंपिडेंस से रिप्लेस करना है अब यहां पर मुझे इंटरनल इंपिडेंस दिया हुआ नहीं है यानी फोर वोल्ट का भी नहीं दिया ट्वेल्व वोल्ट का भी नहीं दिया तो इसको हम रिज्यूम कर लेंगे कि आइडियल वोल्टेज सोर्स है और अगर ये आइडियल वोल्टेज सोर्स है मतलब इसको कैसे रिप्लेस करना पड़ेगा दिस शुड बी रिप्लेस बाई ए

इसको मुझे क्या करना पड़ेगा शॉर्ट करना पड़ेगा तो मैंने इसको शॉर्ट कर दिया क्योंकि इसका इंटरनल इंपिडेंस क्या ले रखा है मैंने जीरो ले रखा है और इसको भी मैंने शॉर्ट कर दिया ठीक है अब मैंने इन दोनों को शॉर्ट कर दिया देखिए टू ओम फिर से आ गया ये इसलिए आएगा कि अब हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो अब आप इजिली यहाँ से आपको पता है कैसे हमें इसकी आर इक्विवेलेंट निकालना है ठीक है यहाँ पर मुझे ये आर इक्विवेलेंट निकालना है तो ये रसिस्टेंस और ये रसिस्टेंस किस में है पैरेलल में है मीन्स टू और वन का पैरेलल तो यहाँ पे अगर मैं निकालता हूँ यहाँ पे अगर मैं यहां पे आर इक्विवेलेंट डैश निकालता हूं तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी टू इज पैरल विथ वन तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा टू बाई थ्री ठीक है और ये जो आर इक्विवेलेंट निकलेगा ये इसके साथ किस में होगा सीरीज में होगा तो यहां पे जो आर इक्विवेलेंट डैश डैश निकालूंगा वो क्या होगा टू बाई थ्री ये और उसके साथ ये सीरीज में तो टू बाई थ्री प्लस टू सो so, ये कितना आ जाएगा एट बाई थ्री टू बाई थ्री थ्री टू सिक्स प्लस टू एट बाई थ्री तो यहाँ पे जो रसिस्टेंस आ गया वो कितना गया? 8 by 3 आ गया एट बाई थ्री आ गया ठीक है अब ये जो एट बाई थ्री जो यहाँ पे जो रसिस्टेंस हमने निकाला ये इसके साथ किस में है ये इसके साथ पैरल में है देखिए यहाँ पे जो रसिस्टेंस निकलेगा उसके साथ ये क्या होगा पैरल में होगा तो अगर यहाँ पे मैं आर ई इक्वेलेंट ट्रिपल डैश निकालू मीन्स यहाँ पर इस पॉइंट पे तो मैं कह सकता हूँ कि एट बाई थ्री इज इन पैरल विथ वन तो एट बाई थ्री अपॉन एट बाई थ्री प्लस वन तो यहां से क्या जाएगा एट बाई थ्री अपॉन एट बाई थ्री प्लस वन तो एट थ्री इलेवन बाई थ्री तो यहां से मैं कह सकता हूं एट बाई इलेवन एट बाई इलेवन वैल्यू आ गया अब ये एट बाई इलेवन इसके साथ क्या है सीरीज में है टू ओम तो टोटल आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एट बाई इलेवन जो यहां तक हमने निकाला यहां तक और उसमें क्या हो जाएगा सीरीज में प्लस टू तो ये आ जाएगा इलेवन इंटू ट्वेंटी टू प्लस एट मीन्स थर्टी बाई इलेवन और यही आर इक्विवेलेंट क्या होगा आपका RTH. तो दिस इज आर टी एच तो बाई यूजिंग दिस एनालिसिस आपने देखा हमने क्या क्या फाइंड आउट कर लिया वी टी एच और आर टी एच फाइंड आउट कर लिया तो अगर हमने वी टी एच और आर टी एच फाइंड आउट कर लिया है तो हम क्या कर सकते हैं इक्विवेलेंट सर्किट बना सकते हैं तो इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनेगा आपका देखिये सर्किट बना दिया और VTH की वैल्यू कितनी है हंड्रेड बाई इलेवन और आर टी एच थर्टी बाई इलेवन अब यहां से मुझे क्या फाइंड आउट करना है मुझे आई की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी आई एल इज इक्वल टू वी टी एच अपॉन आर टी एच प्लस आर एल ठीक है तो वी टी एच की वैल्यू कितनी है हमारी हंड्रेड अपॉन इलेवन अपॉन आर टी एच कितना है थर्टी अपॉन इलेवन प्लस फोर तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो आई एल की वैल्यू मेरी आ जाएगी हंड्रेड अपॉन इलेवन अपॉन थर्टी प्लस फोर्टी फोर तो दिस इज इक्वल टू सेवेंटी फोर बाई इलेवन तो यहाँ से आ जाएगा आपका हंड्रेड अपॉन सेवेंटी फोर और अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपकी वैल्यू होगी वन पॉइंट थ्री फाइव वन एम्पेयर ठीक है तो इस क्वेश्चन में हमने देखा कि बाई यूजिंग थेवीनियन थ्योरम हमने किस तरह से वैल्यूज फाइंड आउट की करेक्ट तो आप देख सकते हैं थेविनियन थ्योरम को अप्लाई करके हमने यहाँ पर आई एल की वैल्यू कैलकुलेट की आप इसको कंपेयर भी कर सकते हैं मैस एनिस के थ्रू आप वैल्यूज निकाल करके कंपेयर भी कर सकते हैं कि ये वैल्यू एक्जैक्टली यही वैल्यू आई एल आ रही है नहीं आ रही सो दिस इज ऑल अबाउट द थेवीनियन थ्योरम सो गुड डे एंड थैंक यू